बहुत पतली होती हैं, तो मैं बहुत ज्यादा पतली नहीं रखूंगी इनको, इतना रखूंगी कि जैसे एक पूरी पराठा होता है ना, जो हम पराठा रोल खाते हैं, उसकी जितनी डेप्थ होती है उतना हम रखेंगे पूरियों को। अच्छा, प्याज को हम करेंगे यहाँ गोल्डन ब्राउन। इसके साथ साथ मैं इसमें ऐड करूंगी लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट ऐड करते ही मेरे हाथ में एक ढक्कन होना चाहिए, सो दैट मैं इसको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर पाऊँ, वरना हमारा जो बेचारा लहसुन का पेस्ट है वो बहुत ही जो है ना वो इधर उधर स्पटर होगा। भर के एक टीस्पून के बराबर हम यूज करेंगे लहसुन का पेस्ट। इसको हम करेंगे गोल्डन ब्राउन, और आप चाहें तो चॉप अदरक भी डाल सकते हैं, चॉप लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, जितना भी ये चर्बी वाला गोश्त होता है ना, ज्यादा चर्बी वाला, इसके लिए मैं आपको ये टिप बताऊं, ज्यादा मसाले शामिल करेंगे, ज्यादा मिर्ची, ज्यादा लहसुन, ज्यादा अदरक, जितना भी आप शामिल करते हैं उससे थोड़ा ज्यादा। इससे क्या होता है कि चर्बी की अपनी एक महक होती है बहुत ही बुरी वाली, जो कि किसी को भी नहीं पसंद होती, वो बहुत कम हो जाती है। चर्बी की महक दुनिया में आई थिंक सिर्फ एक दो कौमों को पसंद होती है, और जब भी आप लेबनीज खाना खाते हैं ना, कोई भी लबनानी खाना जब आप खाएंगे, तो काफी ऐसे लोग होते हैं जो कि बेचारे परेशान हो जाते हैं खा के, वो कहते हैं कि खाना दुनिया में कोई कैसे खाता है, बिकॉज हमें आदत नहीं है उस फैट को खाने की, हमें आदत नहीं है उस दुम्बे के गोश्त को खाने की चर्बी के समेत, लेकिन उनको है, उनको चर्बी का फ्लेवर बहुत पसंद होता है। और चर्बी जो होती है स्पेशली दुम्बे के गोश्त की, उसमें बड़ी एक ऐसी स्मेल होती है जो कि यूजुअली कोयटा वाले फिर भी शौक से खा लेंगे, लेबनीज जितने खाने हैं उनमें लोग शौक से खा लेंगे, लेकिन हमें उसकी आदत नहीं होती। तो जब भी किसी भी चीज की चर्बी की स्मेल आप खत्म करना चाहते हैं, तो लहसुन अदरक के पेस्ट का इस्तेमाल आप ज्यादा कर सकते हैं। और काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि इतने नेचुरली गिफ्टेड होते हैं, जैसे कि हमारे प्रोड्यूसर साहब बालाज, कि वो इतने स्किनी होते हैं कि वो दुनिया की कोई भी चर्बी खा लेंगे, वो कभी मोटे नहीं होंगे। इसका मतलब ये नहीं होता कि चर्बी जो है वो फैटनिंग नहीं होती, इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि बस नेचुरली गिफ्टेड है, चाहे वो लोगों का दिमाग खाएं या फिर वो चर्बी खाएं, कभी मोटे नहीं होते वो। आई होप कि आप इतने टैलेंटेड हो और इतने नेचुरली गिफ्टेड हो कि दुनिया की कोई भी चीज खा के आप मोटे ना। अच्छा जी, और चर्बी में काफी सारे लोग ये पूछते हैं कि जी मुझे वजन को बढ़ाना है तो क्या मैं चर्बी खाना स्टार्ट कर दूं। देखिए, वजन को जब बढ़ाना होता है ना, तो मैं आपको ये भी कह सकती हूँ आप चर्बी खा लें। मैं आपको ये भी कह सकती हूँ कि काफी सारे सिंगर्स क्या करते हैं, बड़ी मशहूर सिंगर थी, वो ये करती थी कि घी, गरम गरम घी को पीती थी, और उससे वजन तो खैर ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि बढ़ेगा, लेकिन उनका कहना था कि उससे गला जो है वो साफ होता है। वजन को बढ़ाना और अपने आप को सिर्फ ये दिखाना कि जी मेरा वजन बढ़ चुका है, इसका कोई फायदा नहीं है, अंटरनलनेस आप में कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो, तो इसका मतलब ये है कि अच्छा खाएं। अगर आपको वजन को बढ़ाना है तो क्या कर सकते हैं, पीनट बटर खाएं, खजूरे खाएं, फ्रूट्स बहुत सारे खाएं जिसमें ज्यादा चीनी होती है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी ब्रेक का टाइम है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मुझे बस एक काम करना है, और वो काम ये करना है कि देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट यहाँ पे हो गया गोल्डन ब्राउन, ठीक है। अब इसमें कोई भी कच्चापन नहीं है, अगर हम ब्रेक पे चले जाएंगे फिर ये कीमा बेचारा कच्चा रह जाएगा, मैं चाह रही हूँ फौरन मैं इसमें ऐड कर दूं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये कीमा सारा, जिसमें हमने हरी मिर्ची, अदरक और दही दो खाने के चमचे ऐड किया था। इसको मैं भून रही हूँ, छोटी सी ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक से वापस आने के बाद बाकी का सारा काम करेंगे कंटिन्यू। जल्दी से वापस आ जाइए क्योंकि जायका इसमें है। ब्रेक फीवर्स आप देख रहे हैं हेल्दी बाइट्स, हेल्दी बाइट्स में मैं शेफ आयशा अब्रार, आज हम बना रहे हैं दम का कीमा, और इसके साथ हम बना रहे हैं पूरियां, जिसको अभी हम बेलना स्टार्ट करेंगे। पूरियों के अज्जा क्या क्या थे, किस तरह से हमने इसका आटा बनाया था, वो भी मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस वक्त ये बताऊं कि देखिए कीमे में अपना बहुत सारा पानी होता है, स्पेशली उस गोश्त का जो कि प्रेशर का गोश्त होता है, तो बहुत सारा पानी निकलेगा कीमे का, प्याज का थोड़ा सा पानी अभी उसमें बरकरार था, तो हमने क्या किया कि पहले से तेज आंच पे तकरीबन समझ लें सारा पानी सुखा दिया। फिलहाल हमने इसमें क्या क्या शामिल किया हुआ है, 5 से 6 अदद हरी मिर्ची चॉप करके, प्याज हमने शामिल किए हुए हैं जिसको हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया था तेल में, उसके बाद हमने इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड करके गोल्डन ब्राउन किया था, कीमा शामिल किया, साथ में हमने इसमें ऐड किया अदरक चॉप करके। अच्छा, अब मैं इसमें शामिल करूंगी नमक हस्बे जायका, नमक हम ऐड करेंगे इसमें तकरीबन 1 खाने के चमचे के बराबर, टमाटर भी साथ ही ऐड कर देंगे, और एक कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? अस्फा बात कर रही हूँ, रावलपिंडी से। अस्फा, कितना मजे का, कितना डिफरेंट नाम है आपका। मैंने पहले भी कॉल की थी आपको, आई थिंक आपको याद नहीं।
आई थिंक मुझे याद नहीं है. क्या कहना चाहेंगी? कहना चाहूंगी आप कैसी हमेशा की तरह भी होती आई लग रही हैं आप. बहुत बहुत शुक्रिया, मोहब्बत है आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया. अच्छा आज मैंने रिक्वेस्ट करनी है. जी जी बिल्कुल कीजिए. नगेट्स बनाना सिखा दें और क्रिस्पी चिकन. नगेट्स और क्रिस्पी चिकन एक छोटी सी प्रॉब्लम है. क्या? मैं जब भी नगेट्स बनाती हूँ हमारे प्रोड्यूसर साहब राहील कहते हैं कि आपने अभी तो नगेट्स बनाए थे, तो नगेट्स अभी मैंने आई थिंक दो दिन या एक दिन पहले बनाए मैंने नगेट्स. तो एक काम करती हूँ कि एक थोड़ा सा हम रुक जाते हैं, दो हफ्ते बाद नगेट्स बना दूंगी, क्रिस्पी चिकन जल्दी हम बना लेंगे. नेक्स्ट नगेट्स की आप रेसिपी बता दीजिए. ठीक है, रेसिपी मैं बता दूंगी. देखती हूँ अगर अभी टाइम मिलता है थोड़ा सा तो अभी बता देती हूँ, या फिर हम एक काम करेंगे जब क्रिस्पी चिकन बनाएंगे तो उसके साथ ही बता दूंगी. ठीक है, ओके. बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. और टमाटरों को मैंने इसमें ऐड कर दिया था, नमक ऐड किया था हसबे जायका. अब हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर भर के एक टीस्पून, क्योंकि जब आप पूरी पराठे और ऐसी कोई चीज खा रहे हैं तो फिर आप इसमें मिर्चें कम नहीं रख सकते, फिर थोड़ी सी ज्यादा हम इसको चटपटा रखेंगे. मिर्चें हमने ऐड की इसमें, हरी मिर्चें पहले से ऐड की हुई थी. गरम मसाला पाउडर मैं इसमें ऐड करूंगी एक चुटकी के बराबर, ये शामिल कर दिया. अच्छा अब हम ये करेंगे, फिलहाल मैंने इसमें दही शामिल नहीं किया. आंच में खीमे की करूंगी कम. जितना ज्यादा आप खीमे को बीफ को बार बार उसका ढक्कन हटाएंगे उतना ही जो है वो तेल में पकेगा. अब मैं इस पे ढक्कन लगा रही हूँ. आई एम मेकिंग श्योर कि इसकी आंच कम से कम जितनी भी कम आप कर सके उतनी करनी है, और कम 10 मिनट से पहले इसका मैं ढक्कन नहीं हटाऊंगी ताकि जितना भी ये पक सके मैक्सिमम उतना पक जाए. अब हम आएंगे जरा हमारी पूरियों की तरफ. पूरियों की तरफ आने के लिए पहले मैं करूंगी हमारे काउंटर को बिल्कुल साफ. टिश्यू लेंगे और पूरियों में हमने क्या क्या कितना कितना ऐड किया हुआ था उस तरफ आ जाते हैं. जब भी आप पूरियां बनाएं दो ऑप्शन हैं, एक तो ये कि आटे की पूरियां बनाएं, एक ये है कि मैदे की. कुछ लोग उसको मिक्स भी करते हैं. मैं पर्सनली ये प्रेफर करती हूँ कि जब पूरियां ही खानी है, जब उसे डीप फ्राई ही करना है तो क्यों हम फिर आटे की बनाएं, बिकॉज मैदे की पूरियां लज्जत के हवाले से ज्यादा मजे की होती हैं. तो हमने मैदा इसमें लिया तकरीबन 2 कप के बराबर, नमक ऐड किया इसमें 1/2 टीस्पून के बराबर. साथ में आप चाहें तो आप इसमें अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं. अजवाइन आपने ऐड करनी है भर के 1 टीस्पून, बिकॉज अजवाइन एक ऐसी चीज़ है जो जब डीप फ्राइड किसी भी चीज़ के साथ आती है, वेदर पकौड़े या फिर नमक पारे, तो बहुत मजे की लगती है. इस हमने जो ये मैदा है इसको हमने गूंदा है दूध से, कोई पानी आपने इसमें यूज नहीं करना, सिर्फ नीम गर्म दूध, फुल क्रीम वाला जो दूध होता है जो हमारे घरों में डब्बों में आता है या खुला होता है वो आपने इसमें यूज करना है. बस भलाई उसके हटा दीजिएगा ताकि मुंह में ना आए. इसके साथ साथ आप इसमें एक अदद चाहें अंडा ऐड कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है. मैं हमेशा अंडे के बगैर, कोशिश होती है मेरी कि अंडे के बगैर इसको बनाऊं. साथ साथ आप इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर. बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून, ये एक घरेलू टेक्निक है. हमारे हाथों में वो प्रैक्टिस नहीं होती है जो कि पूरी वाले करते हैं, कि वो तो बेलते भी नहीं है और सिर्फ ऑयल लगा के इस तरह से जो है वो फ्लिप करते हैं और उसके बाद उसको फ्राई करते हैं, तो उसकी वजह से वो पूरी फूलती है. क्योंकि हमारे हाथों में वो ग्रिप नहीं है और मैंने उसको ज्यादा पतला भी नहीं रखना था, इसलिए हमने इसमें ऐड किया बेकिंग पाउडर, ताकि आप जब घर पे इसे बनाएं तो पूरी को जब बना के निकालें तो ये अच्छी सी फूले. इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे. अच्छा, एक्स्ट्रा मैदा मैंने रखा हुआ है अपने पास. अगर आप टिपिकल पूरियों की बात करते हैं तो वो कभी भी उस पर एक्स्ट्रा मैदा नहीं लगाते हैं, वो हमेशा उसको बेलते हैं. वैसे तो बेलते भी नहीं है लेकिन बहरहाल उस पर तेल लगाया जाता है. घी हमने इसमें शामिल किया है, चाहे तो घी की बजाय आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये हमने शामिल किया इसमें तकरीबन 1 खाने के चमचे के बराबर. अब मैं क्या करूंगी, एक रोलिंग पिन लाऊंगी. रोलिंग पिन को जब तक हम बेलन नहीं कहते ना तब तक मजा नहीं आता, तब तक फील नहीं होता कि आप जो है वो किसी चीज को बेल रहे हैं. इस तरह से मेक श्योर काउंटर आपका बिल्कुल साफ हो. मैदे को हम करेंगे स्प्रेड और इसको हम बेलेंगे. इसका मैं एक डिफरेंट सा काम करने वाली, आप सोचूंगी ये एक साथ इतना सारा क्यों बेल रही हूं. मैं आपको अभी बताती हूँ. पहले मैं ब्रैंडम लीव्स को थोड़ा सा स्प्रेड करूंगी. अच्छा, इससे क्या होगा कि जब भी आप किसी चीज का पोर्शन बनाए ना तो उससे इक्वालिटी आ जाती है. सी अभी इक्वालिटी क्या आई है वो मैं आपको बताती हूँ. इस तरह से हमने एक पोर्शन बना लिया, 4 होंगी. जितने भी लोग जिनके घर में कुंडे होते हैं और जो बहुत ज्यादा